गिरा है टॉस हेड्स का, कॉल अहमदाबाद की तरफ से हेड्स का था, जीता है टॉस अहमदाबाद ने, ले रहा है बॉलिंग, काफी हद तक क्लियर है आज के मैच में क्या करना है, रन चेस करना चाहता है अहमदाबाद। याद आ रहा है मेरे को, एजिस लगी है पहली गेंद पर तेंदुलकर की, बड़ा एज स्लिप में से चौका, देखना चाहूंगा एआई क्या करता है। दूसरा हिट दूसरी गेंद दूसरा चौका, गेम का आवाज नहीं आ रहा है खिलाड़ियों के पास सफलता प्राप्त करने का। पहली गेंद पे चौका इन्होंने भी निकाला है, गेंद का अटैक जारी रहेगा, कैच का मौका, शाइन की लंबी हाइट नहीं रोक पाई इस कैच को, रोका मतलब कैदे भी समाप्त हो जाएंगी। ये फ्रंट फुट पे आए और चार रन बाजी नहीं दी थी लास्ट टाइम और मैच हारा था, और इस बार पहली गेंद पे उथप्पा को पवेलियन भेजा है। एंगल देखिए कितना जबरदस्त, लेफ्ट आर्म है, राउंड विकेट आ रहे हैं राइटी के सामने, अंदर का एंगल, उसी एंगल पे चली गई गेंद, कोई मूवमेंट नहीं किया है गेंद ने, जैसे एंगल में फेंकी थी उसी एंगल पे आउट किया उथप्पा को, और बोल्ड यहाँ पे तीन गेंद नहीं है, 11 में 12 नहीं लग रहा अच्छा, परफॉर्मेंस बिगाड़ के रख देंगे। स्ट्रेट हिट, चलिए थोड़ा देर से आई है चौका, लेकिन आया जरूर है तेंदुलकर के बल्ले से, स्ट्रेट में चार, लेकिन टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये देखिए मॉर्गन का परफॉर्मेंस देखिए और सचिन का देखिए, चौका लगा दिया इस बार सचिन के, 2 चौके जो लगे हैं वो फाइनल लगे रखा गया, स्ट्रेट हिट, बढ़िया सिलेक्शन। और गेंदें पता है मुझे जडेजा की गेंद थोड़ा ऐसा लग रहा था तेजी से आ रही है, थोड़ा ना वो 2-3 गेंदें और खेलेंगे फिर शायद बड़ा हिट लगाए, शायद कल बनाकर सचिन ने लेकिन सीधा खेलना सोचा है, और सही सोच सही रिजल्ट, 16 में पहुंचेंगे वो डबल डिजिट में, डबल नहीं 22 पे करना है, ये चैलेंज है इनके लिए। एक और चार इस बार लेग साइड से फ्लिक में चौका, साथ यहां पर आखिरी गेंद, 2 ओवर का स्पेल पूरा 6 के साथ मॉर्गन ने आखिरी गेंद पे छक्का लगा ही दिया, 27 ऑलरेडी हो चुका है अब यहाँ, और ये कैच नहीं, कैच तो नहीं, अरे क्या चल रहे हो साथ में भाई, गेंद के टॉप स्पिन सीधे मत खेलने देना, अरे वो सीधे खेलना ही नहीं चाहते। यहाँ पे 4 मिड विकेट से नहीं जाएगा, गेंद ने गति खो दी अपनी, थ्रो पे डिपेंड करता है कि 3 निकाले कि 4, 53 होगा मेरे ख्याल से, तब भी रन नहीं बन रहे यार, ये दुख की बात है। ये चार है, हम लोग साइड बदलेंगे, वो भी 4 लग नहीं रहा है, ब्रैडमैन गेंद के पीछे है, थोड़ा और तेज दौड़ लो यार, नहीं रोक पाए नहीं उनको। अब आए ओवर द विकेट, फिर से शॉट उसी दिशा में, इस बार शॉट में दम लग रहा है, क्लीन हिट लग रहा है, गेंद फील्डर, अरे वाह इस बार रुकेगी, बल्कि इस बार लग रहा था कि चली जाएगी 4 के पार, 3 रनिंग 60s में एंट्री, बस यूज करो इनको, बैकफुट पंच, बढ़िया भाई मॉर्गन, मुझे लगता है आगे निकल जाएंगे सचिन से, जिस एटीट्यूड से खेल रहे हैं ना नॉमी, और इस बार कैच, ओ बाप रे, ये कौन सा कैच है भाई, किया कि नहीं किया, अबे ड्रॉप हो गया यार, कोई बात नहीं, और अब फाइनली इन्होंने अपना फ्रंट फुट पे कुछ ऊंचे शॉट खेलने शुरू किए, वो भी 1 बाउंस चौका, ठीक है विकेट भरपूर बचे हुए हैं, बॉटम एज स्लोवर गेंद, अगर बीट करा लेते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ये तो कैच का मौका है, रनिंग करते हुए कह नहीं सकते भाई, अरे 6 चला गया, डाउन कर देना लेफ्ट आर्म, यहाँ पे शाइन अफरीदी का सामना करेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर के सामने तेंदुलकर का बल्ला चलता है, ये एक बड़ा बड़ा फायदा होगा। मॉर्गन का क्या हाल है भाई, मॉर्गन क्लीन हिट करने में माहिर है, ये 3रा छक्का इनका लगा है जी, या फिर किसी के ऑफ साइड पे पॉइंट, अब फाइनली रिदम पकड़ी है, ये क्लीन हिट लगता है, पीसी पे दुनिया का क्रिकेट का सबसे बेस्ट ग्राफिक्स का गेम है, मॉर्गन का चौका, भाई रेस बढ़ रही है, रेस यहाँ पे ऐसी हो गई है, कोई फिर से वही हिट कर दिया, इस बार थोड़ा दम नहीं लग रहा शॉट में, लेकिन इनफ है चौके के लिए, साथ ही साथ 48 पे पहुंचते हुए तेंदुलकर 48 और गेंदे, और ये स्ट्राइक रोटेट नहीं होने दिया है, 50 के पार जाते हुए यहाँ पे मॉर्गन, लगातार दूसरे मैच में आती सी पारी यहाँ पर करते हुए, लाइक गोल भाई बिल्कुल कर देना यार, 50 के पार जा चुका है स्कोर, और हमारा लाइक गोल 8, और एक और चौका भाई भूल जाओ, तेंदुलकर का 50 का सपना अधूरा रहेगा, मॉर्गन आगे बढ़ते हुए टीम के गेंद पर, और पुल शॉट चौका, 5 चौके 114 रन, मैं आपको बता दूं कल मैं 103 रन का चेज नहीं कर पाया था, एक बड़ा रन चेज बन गया अहमदाबाद के लिए, इन दोनों ने 3 ओवर में कहीं ना कहीं रनअप को पुश किया, रन रेट को पुश कर दिया, खुश होंगे अपनी बैटिंग से इस वक्त, 115 का चेज अहमदाबाद कर पाता है कि नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है। और पहली गेंद, हमने भी शुरुआत कम नहीं की है,
जहां पर एजिस के थ्रू चौका लगाने के लिए तैयार। इस पर ये तो कल वाला दिन याद आ गया, और निकल गई भाई। चार रन दूसरा, दो गेंदों में चार। थोड़ा सा डाउट था मुझे इस शॉट पे, वन पिछली बार दिखे थे फॉर्म में। गलती तो नहीं कर दी? अरे रे रे रे, उए! अच्छा सामने थ्रो मार दिया यार, इकबाल आउट हो गए। एक रन एक्स्ट्रा लेना भारी पड़ गया, वार्निंग दे के छोड़ा है, वाइड भी नहीं दी। ऊंची गेंद, कितना पेस, कितना बढ़िया पेस और थ्रो। अरे रे, जंप में थोड़ी देरी हो गई, इकबाल आउट हो गए 3-9 करके, जबकि जब कप्तान की भूमिका में थे। वाइड गेंद और छूट गई है। 3-3-3-3-3-3-3 रनिंग क्विक। अरे यार थ्रो आ गया, 2 ही रन निकाल रहे हम लोग। सैंगला बड़ा हिट लेना चाहा है, सफलता मिलती है, लेकिन बहुत क्लोज रहा है। नेक्स्ट टाइम शायद मैं ना भी खेलूं अगर। चार, इस बार इजी गेंद, शॉट दमदार, डायरेक्ट गेंद डालेंगे तो पड़ेगी भाई। रेड, अच्छी बात यह कि सारे गेंदबाज एक जैसी लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि बकवास लाइनअप है। आप किसी भी खिलाड़ी को इस गेम में अगर गलती है तो ऊंची दे दी, पुल शॉट, गलती पड़ी है भारी। 3-8, 4-8 करके आउट हुए हैं। सिराज को मिल गई है सफलता, एक आसान कैच बना दिया पुल शॉट ने, स्क्वायर से लेना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। पैरों पे गेंद, चौका। भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा पैरों पे गेंद आएगा ना, उतना मेरे लिए मौका अच्छा रहेगा। यहाँ पर डेविड मलन, एक और ऊंची गेंद, एक और यहाँ पर पछाड़ के डाली थी और उसका रिजल्ट आपके सामने, मलन के 2 चौके। बोलना आप लोग लीजिए, हाँ लेकिन एक साजिश भी हो सकती है कैच की, बच गए, रन आउट का मौका। आउट, डाइव इस तरफ मार ली, बॉलर की तरफ, पागल कहीं के यार। आउट है, गए भाई। अनबूझ कर पैरों की तरफ गेंदे कर रहे हैं ताकि हम लोग और प्लान आउट, धवन नहीं। हो, बैस्ट शॉट। आज कमेंट पता है किसी ने की, अरे या मिस कर गए यार। वाइड गेंद है, चल सबे वही फॉलो कर रहे हैं, पर मिस हो रहे हैं किशन यहाँ पे गेंदों को। मैं 2 लेने की जरूरत कर रहा हूँ लेकिन वापस गए। 16, ग्राउंड शॉट खेलना पसंद किया है, बच गए उन्होंने। शॉट सही है, गैप में है सबसे बड़ी बात, और 4 देके जा रहे हैं। चलिए जाते अच्छी करते हैं, गैप चाहिए, रन आउट का रिस्क, बॉलर की तरफ, अच्छी बात है। वो है ना कर्फ्यू है ना भाई। ओए क्या यार, बातों में नहीं, क्या भाई, और कोई रास्ता, कहाँ रुकेगा मैं। सही है भाई, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हिट किया ये शॉट, लेकिन सफलता दिलाई है। 6 लगता हूँ, वही मैं फिर रन दौड़ाया था, नॉन पैरों पे गेंद, 2 रन पॉसिबल नहीं है। पुल शॉट लगा रहे हैं हम लोग, बल्ले पे नहीं आ रहा, और कितना बड़े बढ़िया शॉट। एक्चुअली मैं लेग साइड आप देख रहे होंगे तो मैं अंत तक लेग साइड खेलने जा रहा था शॉट, और रे खत्म भाई। 2 फुल लेंथ गेंदें, किशन के 2 छक्के, एवरेज की तो पत्थर रगड़ के रख दी, इंच में आनी चाहिए। ये पछाड़ दी गेंद, ऑफ साइड पे खेल दिया, बढ़िया भाई। फील्डर तो बीट है और चार जा रहा है, नहीं रोक पाएंगे, वक्त निकाल के सीधे ही खेल रहे हैं यार, सीधे ही गेंद ही सीधी आ रही है। अब मैं लेग साइड खेली, बैटिंग बॉलिंग में अच्छा, बच गए कीपर, बढ़िया कॉन्फिडेंस, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को और सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। थप्पा ने क्या, कुछ समझ ही नहीं आया, ये लगा सबसे फास्टेस्ट कैच था यहाँ पर, इतना तेज रिएक्शन कोई कैसे दे सकता है। शॉट 4 की उम्मीद लगा के बैठा था, विकेट गंवा दिया यहाँ पर, एक हाथ पर पकड़ा गया, अरे दोनों बॉडी झोंक दी भाई, इसे कहते हैं कैच। सही गेंद है, लेकिन क्या आपका शॉट सही है जी? नहीं, कैच, ड्रॉप है टोरी, 2 रन दे दिए, चलो अच्छी बात है, जीवन दान यहाँ पर। बहुत सही, मिड विकेट पे छक्का, किशन अभी मैदान में मौजूद हैं, अपनी बांसुरी बजा के जाएंगे। इसलिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मान लो गलत होता तो। डॉट गेंद, एंगल डाल रहे हैं गेंदें भाई, अच्छी गन चाहिए, अरे डॉट गेंद, बड़ा शॉट, कैच यहाँ पर, किशन गॉन। 4 गेंदों में 15, हर गेंद पे अब आपको 4 तो चाहिए, क्योंकि खाए लास्ट ओवर में और एन वक्त पे ही, और ये लगा पठान का पावरफुल पंच, 6 रन। अरे या प्लीज ड्रॉप हो जा, थैंक यू वेटोरी भैया। अभी
क्या यार, अब कैच ड्रॉप करो या कुछ भी करो कोई फायदा नहीं, फिर से कैच ड्रॉप कुछ फायदा नहीं। मैं 3 ले रहा हूँ यहाँ पे रन, काश। अरे यार हार गए अहमदाबाद, और असम यहाँ पर जीत हासिल कर रहा करता हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब अहमदाबाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अपने साथ 2 रन की ये छोटी सी जीत। लेकिन जो महंगा पड़ा है वो ये पड़ा है कि 2 रन 2 पॉइंट थे वो नहीं मिलेंगे अहमदाबाद को, ही डिस्क्वालीफाई करा दिया इस टूर्नामेंट में। मॉर्गन ले गए कप्तान मैन द मैच, बैटिंग में टीम एफर्ट दिखाया, बॉलिंग में टीम एफर्ट दिखाया अहमदाबाद ने, लेकिन कम पड़ गया।